झारखंड जमशेदपुर शहर में जन्मे कलाकार रजत बंदोपाध्याय के एकल चित्रकला प्रदर्शनी का दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में आयोजन किया गया। झारखंड अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विश्व भर में जाना जाता है। यहाँ की पहाड़ियाँ, पेड़ पौधे और वातावरण का रजत की कृतियों पर गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। रजत द्वारा निर्मित कृतियों में तरल रंगों का बड़े ही कलात्मक ढंग से प्रयोग किया गया है। इनकी चित्रकृतियों में रंगों के बहाव ने जितनी खूबसूरती के साथ आकार लिया है, वे देखते ही बनता है। रजत ने अपनी कृतियों में संबंधों को बड़े ही मार्मिक रूप में दर्शाया है। इन्होंने जिस प्रकार से एक वस्तु को दूसरे वस्तु से जोड़कर एक अनोखे संबंधों को जन्म दिया है, वह सराहनीय है। इन्होंने चित्रों में जल, वायु, नाव, पहाड़, चट्टान एवं रेगिस्तानी इलाकों को भी शामिल किया है, जिनको देखकर ये प्रतीत होता है कि कलाकार प्रकृति के एक रहस्यमय संसार का निर्माण करता है, जो कलाकार की कल्पनाशीलता की गहराई को समझने का एकमात्र स्रोत है। ये एग्जीबिशन मैंने नेचर को ही डिवोट करना चाहता हूँ, क्योंकि नेचर से आज तक हम बहुत कुछ ले चुके हैं। ये मेरा एक कंट्रीब्यूशन है नेचर को देना, तो उसी बेसिस पे मैंने ये एग्जीबिशन नेचर को कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। ये सारे एग्जीबिशन के सारे पेंटिंग्स नेचर के ऊपर ही बेस्ड है। वाटर कलर की खासियत ये है जो पेपर वाइट छोड़ना, आप ये पेंटिंग में देखिए कई कई जगह में पेपर वाइट है, ये वाइट कलर यूज़ नहीं किया जाता है, ये शुरू से ही पेपर वाइट को छोड़ के बाकी रंग को डाला जाता है। वो एक खासियत होती है वाटर कलर की, जो कि कोई मीडियम में नहीं होती है। इन कृतियों में प्रकृति के सौंदर्य की जो रूपरेखा है, वह संसार की वास्तविकताओं से बिल्कुल निकट है, लेकिन कलाकार ने अपने कला के अनुभव का चित्र निर्माण में इतने सहज ढंग से प्रयोग किया है, जो इन कृतियों को नायाब बनाती है। रजत ने अपनी चित्रकला में उन दृश्यों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है, जिन प्रकृति दृश्यों ने उनके मन पर गहरा प्रभाव डाला है। रजत चित्रकला को केवल अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम मानते हैं, जिसे इन्होंने अपने आसपास देखा है, उसे महसूस किया है, और उन्हीं विषयों को इन्होंने कृतियों में दर्शाया है। रजत का प्रकृति के प्रति आदर और प्रेम कभी कम नहीं हुआ, जिसका कारण है कि यह जब भी लैंडस्केप को पेंट करते हैं, तो रंग सतह पर आकस्मिक रूप से अपने आकार लेते चले जाते हैं। यही रजत की चित्रकृतियों की सबसे बड़ी खासियत है।